नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। राष्ट्रीय ब्राह्मण योजन सभा ने अमेठी की तेज तर्रार कट्टावर ब्राह्मण नेता शिवराज मिश्रा को मनोनीत किया। संगठन का जिला अध्यक्ष जिससे उनके समर्थकों में खुशी का माहौल। जिले में ब्राह्मणों को एकजुट करने में लगे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष। ब्राह्मण के हितों के लिए निरंतर कार्य करने वाले ब्राह्मण पर हुए अत्याचार के खिलाफ निरंतर आवाज उठाने वाले सदैव ब्राह्मण की आन बान शान और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ने वाले ब्राह्मणवादी संगठन राष्ट्रीय ब्राह्मण योजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दीक्षित के निर्देशानुसार एवं उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों की शान ब्राह्मण हृदय सम्राट शेर ए बाराबंकी विकास मिश्रा जी की सहमत पर स्वयं उन्होंने ही अमेठी जिले के ब्राह्मणों की आवाज़ को बुलंद करके सरकार तक पहुंचाने वाले जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवाओं किसान युवा हृदय सम्राट शिवराज मिश्रा जी को अमेठी का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। शिवराज मिश्रा जी सोशल मीडिया को लेकर सड़क तक ब्राह्मणों की आवाज़ को उठाने वाले अमेठी जिले के एक मात कट्टावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से 2013 में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने के साथ ही आज संपूर्ण अमेठी में ब्राह्मण वर्चस्व कायम करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील एवं संघर्ष में लगे रहने वाले जिले के एक संघर्षशील ब्राह्मणवादी नेता हैं। 2016 में भी शिवराज मिश्रा जी इसी संगठन में कार्यरत थे। शिवराज मिश्रा जी से पूर्व जिले के युवा भाजपा नेता राहुल मिश्रा को संगठन राष्ट्रीय प्रभारी वेद प्रकाश पांडे जी की सहमत एवं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दीक्षित के निर्देश पर अमेठी का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। जिले के संगठन में उनकी सक्रिय और कार्यशैली से सहमति जताते हुए संगठन ने शिवराज मिश्रा जी को पुनः जिला अध्यक्ष पर नियुक्त किया था और फिर बाद में जिले में आईटी सेल का गठन कर राहुल मिश्रा को आईटी सेल का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। मगर इस बार शिवराज मिश्रा जी के ब्राह्मण तहसील सामाजिक कार्यों को देखते हुए एक बार फिर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों की शान विकास मिश्रा जी ने अमेठी जिले की कमान जिले के कट्टावर ब्राह्मण नेता शिवराज मिश्रा जी को पुनः सौंप दी है। संगठन को पूर्ण विश्वास है कि शिवराज मिश्रा जी के नेतृत्व में अमेठी जिले में ही नहीं बल्कि फैजाबाद मंडल में ब्राह्मणों को एकजुट कर एक मंच पर लाने का कार्य उनकी पूरी मेहनत एवं लगन के साथ किया जाएगा। फैजाबाद मंडल में ब्राह्मण वर्चस्व कायम करते हुए सरकार की ब्राह्मण विरोधी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का अथक प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा, जिसका असर उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव पर भी दिखने वाला होगा, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के 3 वर्षीय शासनकाल में 600 ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी है, जिसको लेकर संगठन में काफ़ी रोष है। इसी कड़ी में संगठन के 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन दिया था, जो कि अब वह भी वापस ले लिया गया है। जिला अध्यक्ष पद की घोषणा होने के बाद शिवराज मिश्रा जी ने अमेठी जिले के ब्राह्मणों को एकजुट करने का कार्य अपनी पूरी मेहनत एवं लगन के साथ शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार से अल्पसंख्यक आयोग SC ST आयोग की तर्ज पर सावर्ण आयोग का गठन करने की मांग की है। लॉकडाउन खत्म होते ही संगठन को मजबूत करने के साथ ही विधानसभा के सामने शांतिपूर्वक तरीके से धरना देकर सवर्ण आयोग का गठन करने की मांग भाजपा सरकार से उनके और प्रदेश अध्यक्ष विकास मिश्रा जी के नेतृत्व में की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के साथ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।